हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो मैंने टॉपिक लिया है आप लोगों को बताने के लिए, वो एक्चुअली ये लिया है मलेरिया कार्ड टेस्ट, एंटीजन कार्ड टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि मलेरिया के जो पैरासाइट है, चाहे फाल्सिपेरम का हो चाहे वाइवेक्स का हो, उसका एंटीजन डिटेक्ट किया जाता है। एक्चुअली ये टॉपिक लेने का जो मेरा बेसिक रीज़न है वो ये है कि गाँव में जो दूर दराज के छोटे छोटे कस्बे में जो बच्चे करते हैं टेस्टिंग, उसमें वो ये देख लें कि हमें मिस्टेक कैसे नहीं हो पाए। क्योंकि ये ज़्यादातर क्या है, बीमारी मलेरिया की अब गांव में ही बची है, शहर में तो काफ़ी कम इसका इंसिडेंस हो गया है। तो कौन सी सावधानी रिजल्ट देते समय हमें रखने हैं, रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन कैसे मतलब करना है कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, और कौन से सैंपल में परफॉर्म करना है। इस मेथड का सबसे अच्छी बात यह है कि सेम डे इसका रिजल्ट हो जाता है, सेम डे क्या 20-25 मिनट में रिजल्ट हो जाता है। और इसमें ज़्यादा कुछ आपको चीज़ें चाहिए भी नहीं, जैसे माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए, बिना लाइट के हो सकता है और कोई भी इसका रिजल्ट को देख सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप लोग इसको देखोगे और अपने दोस्तों के साथ भी इस जानकारी को शेयर करोगे, क्योंकि इस अकेले कार्ड ने ही मतलब जो रूरल इंडिया है उसकी पूरी तस्वीर बदल के रख दी है। स्पेशली मलेरिया के लिए तो बिल्कुल ही मैं ये चीज़ें बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है। जो माइक्रोस्कोपी चाहिए, जो स्लाइड में मलेरिया देखना, उसमें जो लोगों की एक्सपर्टीज़ है वो उस लेवल की नहीं है रूरल एरियाज़ में कि वो अच्छे से डायग्नोज करें। मलेरिया देखना काफ़ी टफ जॉब है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको पैथोलॉजी लैब में परफॉर्म किया जाता है। आइए टेस्ट लगा के देखते हैं कि इसको कैसे लैब में परफॉर्म किया जाता है। और रिक्वायरमेंट है आपको तीन चीज़ें चाहिए, एक ये एंटीजन की किट चाहिए, उसके साथ में बफर आता है, बफर के साथ पेशेंट का सैंपल चाहिए। सैंपल को हमेशा ADTA में ही लेना होता है, ठीक है, इसमें सीरम या प्लाज्मा नहीं चलता। और साथ में कैपिलरी से किया जा सकता है, लेकिन नहीं करना मैं एडवाइज करूँगा, क्योंकि उसमें करो तो जितनी डिजायर्ड अमाउंट होती है सैंपल की वो नहीं हो पाती, राइट। तो अब रिक्वायरमेंट में आपका जो ब्लड सैंपल और किट है, दोनों को रूम टेम्परेचर पे लाना है। एक्चुअली ये है तो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन ही, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए आपको प्रपोर्शन एंटीजन और एंटीबॉडी मतलब ब्लड सैंपल का और जो कार्ड के ऊपर एंटीबॉडी कोटी है उसकी, और दूसरा टेम्परेचर होना चाहिए। जिस रेंज में नहीं तो रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो जैसे हमने अभी कार्ड को निकाल लिया है, अब इसमें 5 माइक्रोलीटर ब्लड ऐड करेंगे। इस कार्ड में अगर आप देखेंगे तो एक होती है रिजल्ट विंडो, उसके जस्ट पहले सैंपल बेल, ये सैंपल बेल में हमने 5 माइक्रोलीटर ब्लड ऐड कर दिया है। जस्ट उसके पीछे बफर बेल लिखा होता है, उस पर बी लिखा रहेगा कैपिटल लेटर में, और उसके पहले जिसमें सैंपल डालना है उसमें यस लिखा रहेगा। अब बफर को हमें 3 से 4 ड्रॉप डालना है। बफर क्या करता है, एक्चुअली जो ब्लड सैंपल होता है उसको आगे स्ट्रिप पे ले जाएगा, और साथ में कलर प्रोड्यूसिंग उसमें सब्सटेंस होता है। तो अभी हम इसको रख देंगे, अब ये 20 मिनट्स के लिए रखा जाएगा। इसमें अब अलग से अपने को छेड़ा खानी कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर में रिजल्ट्स अपने आप जो होने वाला है वो 20 मिनट्स के अंदर आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आगे जाता जा रहा है और इसमें रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि जो रिजल्ट विंडो में मार्किंग क्या है। तो एक कंट्रोल है, राइट, एक पेन है, पेन में पेन LDH होता है, पी वाइवेक्स और फैल्सिपेरम दोनों के लिए। जो PF वाला लिखा है उसके सामने प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का histidine-rich प्रोटीन HRP उसकी कोटिंग है। तो अगर आपके या पेशेंट के ब्लड में उसके एंटीजन रहेंगे तो वहाँ पे रिएक्शन बैंड आ जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, इस चीज़ को और सावधानी आपको रखना है कि ये जो कार्ड है इसको कभी भी टाइम लिमिट के अंदर ही देखना। जैसे ये कार्ड में 20 मिनट्स लिखा था तो मैं 20 मिनट्स में करूँगा। अगर आपका जो कार्ड है उसमें हो सकता है कि अलग समय हो, उससे अगर ज़्यादा देर में या पहले रीड करेंगे तो रिजल्ट इनवैलिड होगा। और एक चीज़ और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कभी इस कार्ड को डॉक्टर्स को नहीं देंगे, क्योंकि जो आपने रिजल्ट देखा है वो तो 20 मिनट्स में देखा है, बाद में दोगे तो हो सकता है रिजल्ट अगर पॉजिटिव था तो निगेटिव फेड हो सकता है, या तो रिजल्ट आ सकता है फॉल्स पॉजिटिव उसको बोल रहे हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, इसमें कंट्रोल लाइन आ गई है और दूसरी कोई लाइन नहीं आई है, मतलब मेरा रिजल्ट वैलिड था, ठीक है, 20 मिनट हो गए हैं। तो अब आइए आप इन रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। नेगेटिव रिजल्ट तब बोलेंगे कंट्रोल में लाइन आ जाए, लेकिन पेन में और PF में कोई लाइन नहीं आई, जैसा कि इस केस में ये नेगेटिव रिजल्ट है। पॉजिटिव कब बोलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स में कंट्रोल में लाइन आनी चाहिए, और अगर पेन के सामने आ गई इसका मतलब कि मिक्स पेन के साथ सामने अगर आ गई इसका मतलब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इन्फेक्शन था। अगर कंट्रोल में लाइन आई और PF में आ गई इसका मतलब प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का इन्फेक्शन था। अगर तीनों में लाइन आ जाती है, सी में कंट्रोल में भी, पेन में और PF में, इसका मतलब कि मिक्स इन्फेक्शन है दोनों तरह, वाइवेक्स का और फैल्सिपेरम का। इनवैलिड रिजल्ट कब बोलेंगे, मतलब किट हमने जो किया वो सही नहीं है। अगर किसी भी हालत में कंट्रोल में कोई लाइन नहीं आती, मतलब आपका रिजल्ट इनवैलिड है, उसको हमें रिपोर्ट नहीं करना। और एक चीज़ आपको और रखना है कि अगर आपने
सैंपल की क्वांटिटी किस तरीके से कम निकली है तो बिल्कुल इनवैलिड रिजल्ट ही माना जाएगा। ज़्यादा अगर आप सैंपल एस में डाल दोगे तो भी इनवैलिड माना जाएगा। तो ये दोस्तों ये सारा रिजल्ट के इंटरप्रटेशन का अभी जैसा मैंने बताया तरीका था। तो हमेशा याद रखना कि जो सैंपल होता है और जो किट है उसको रूम टेम्परेचर पर लाना है और 5 माइक्रोलीटर उसमें ब्लड डालना है, बफर 2 से 3 डालना है, उसके बाद जो टाइम फ्रेम है उसमें करना है। तो ये सारा पूरा टेस्ट करने की प्रोसीजर थी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।